हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर बेल लेकर आई हूँ। ये देखिए, इसको हम जैकेट में, कार्डिगन में और स्वेटर पर भी डाल सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद, जब पूरी बन जाएगी। ये देखिए, और ये ज़्यादा फंदों से नहीं बनाई गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुल 15 फंदे बनाए गए हैं। 13 फंदों की ये बेल है और दो दो फंदे साइडों में उल्टे बनाए हैं, और दो दो फंदों की मैंने ये चैन बनाई है। आप यहाँ और कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, और यहाँ पर दो फंदे उल्टे किए हैं। दोनों साइड में दो दो फंदे हमने उल्टे किए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसकी ये बैक साइड है, बैक साइड से भी बहुत ही सुंदर लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। स्टार्ट करते समय आप इस प्रकार से कीजिए। यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे डाले हैं, दो फंदे उल्टे डाले, ये और ये दो फंदों की चेन बनाई है। आप यहाँ पर कोई भी बेल डाल सकते हैं या उल्टे फंदे रख सकते हैं। ये चेन मैंने बस आगे से आगे वाला फंदा ऐसे उठाया और पहले बना दिया, और फिर ये पीछे वाला फंदा बना दिया। इस प्रकार से बनाई है, दो फंदे फिर उल्टे, और यहाँ पर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। शुरू करते समय इस प्रकार से बनानी है, 6 फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा ये बीच के लिए, ये यहाँ पर एक फंदा हम जो सीधा बीच में चलता है चेन के लिए ये बनाएंगे, और 6 फंदे फिर इधर बनाएंगे। ये देखिए, 6 फंदे हमने यहाँ पर बनाए और 6 फंदे यहाँ पर बनाए, और बीच में एक फंदा चैन के लिए बनाया। ये सिर्फ 13 फंदों की ही डिजाइन है। ये यहाँ पर चैन बनाई है, क्योंकि दोनों साइड बेल के दोनों साइड कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। ये हमारी है पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई, उल्टी साइड से उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाएंगे। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर यहाँ पर ये 13 फंदे जो हैं ये उल्टे बनेंगे। ये उल्टी सिलाई है हमारी, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाएंगे। अब डिजाइन शुरू होगा। ये दो सिलाइयाँ इस प्रकार से बनानी है। दो फंदे सीधे, ये दो फंदे उल्टे, ये दो फंदों की चैन बनाएंगे। फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए इनका क्या करना है हमने। ये हमारे 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को हम बाहर निकाल दें, और पीछे वाले को इस सिलाई में डाल लें, और आगे से 3 फंदे इस सिलाई में डाल लें। इस प्रकार डालें, आगे वाले पीछे से लेने हैं, और पीछे वाले फंदे जो हैं वो आगे की साइड से इस प्रकार से लेने हैं। इन फंदों को हम इसके ऊपर डाल लेंगे।
और एक एक करके बना देंगे। जिससे हमारी डिब्बी खुल जाएगी। ये फंदा एक ऐसे ही बनेगा। फिर ये छह फंदे लेंगे, ये पीछे वाले इधर आ जाएंगे, ये उसका उल्टा करना पड़ेगा और ये फंदे जो हैं आगे से इधर आ जाएंगे। इस प्रकार इसमें इस प्रकार से ले लेंगे। इस प्रकार से हमारी डिब्बी बदल जाएगी। अब आगे उस ऐसे ही जैसे पहले बनाया था अब बनाएंगे उल्टी साइड से। दो फंदे उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे और ये 13 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अब आगे देखिए, ये यहाँ पर छह फंदे में से पहले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2 ये 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करें, फिर 2 फंदे बनाएं, 1 और ये 2। इस बीच वाले फंदे के साथ एक फंदा इधर से लें और एक फंदा इधर से लें। इस प्रकार से ये इसमें ले लिया, जैसे गले की चेन बनाते हैं उसी प्रकार से ऊपर से ये डाला और इन तीनों का एक बना दिया। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे किया, 3 फंदों से पहले हमने धागे को आगे करना है। 3 फंदे इधर से बनाए तब धागा आगे क्या करेंगे और 3 फंदे इधर से बनाने से पहले धागे को आगे करेंगे और पीछे की साइड बनाएंगे जिससे हमारी जाली बन जाएगी। उल्टी तरफ हर बार उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाना। ये यहाँ पर जाली वाले फंदों को सीधा बनाना है
जिससे हमारे फंदे वही 13 के 13 ही रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फंदों का 1 बीट बनाया था। अब अगली सिलाई देखिए। ये 3 फंदे थे पहले हमने यहाँ लिए थे, अब हम 4 फंदे लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर आगे धागा करेंगे, 1 फंदा यहाँ बनाएंगे और यहाँ अब ये चैन जो है इसके साथ वाले 2 फंदों का 1 बनाएंगे। ये 2 फंदे ले लिए और ऊपर से चैन वाला फंदा डाल दिया और इन 3 फंदों का 1 बनाएंगे ऐसे। अब 1 फंदा बचा, इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे किया और इसको पीछे की तरफ बनाएंगे ऐसे। वही 4 फंदे हम अब पीछे बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई। बहुत सुंदर बेल है, आप बनाकर देखिए, जैकेट पर बहुत अच्छी लगेगी। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगली सिलाई देखिए। यहाँ पर तो आप कोई भी चेन डाल सकते हैं या बेल डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर 5 फंदे बनाएंगे, 3, 4, ये 5। 3 पहले बने हुए थे, 3 से आगे जब मैंने जाली शुरू की थी 2 फंदे अब बन चुके और ये धागा आगे किया और ये देखिए बस ये 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है इस प्रकार से। आगे धागा फिर किया और अब ये सीधे फंदे बनेंगे। अब हमारी यहाँ तक की ये डिब्बी पूरी हो गई है। अब इसको जैसे हमने खोला था उसी प्रकार से अब हम इसको बंद करेंगे। ये उल्टी सिलाई है।
अगर आप इस डिब्बी को इसी प्रकार से खुला बनाना चाहते हैं तो दूसरी डिब्बी यहाँ से इसके बीच में से तीन फंदों के बाद शुरू कर सकते हैं और ये खुली किट खुली डिब्बियाँ भी बन जाएंगी। वो भी बहुत सुंदर लगेंगी अगर आप खुली डिब्बियाँ बनाएंगे तो। ये देखिए अब मैं इस डिब्बी को बंद करती हूँ। बंद करते समय जैसे हमने आगे वाले फंदों को बाहर निकाला था उसी प्रकार से अब हम ये देखिए बीच वाले फंदों को बाहर निकालेंगे। ऐसे ये तीन फंदे जो हमारे बीच वाले इनको हम बाहर निकालेंगे और जो बाहर वाले फंदे हैं आगे वाले फंदे हैं इसको अंदर ले आएंगे और इसके ऊपर से इन तीनों फंदों को बना देंगे। ये देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे और इधर से भी इसी प्रकार से। ये हमारी डिब्बी बंद हो गई है। इसके ऊपर एक उल्टी सिलाई और एक सीधी और उल्टी सिलाई बनाकर फिर दोबारा डिब्बी शुरू की जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाकर देखना। धन्यवाद।